आधा बरसे साहब, आधा बरसे, आधा बरसे साहब, ठाकुर साहब भी जाए ऐसा आपके वास्ते गाड़ी भी जाए साहब, गाड़ी भी जाए हाँ। अरे अरे क्या ठाकुर साहब भी जाए हाँ। अरे क्या जबरदस्त गाड़ी भी जाए भाई। अरे गाड़ी जा रही ना मियाँ, वो गाड़ी नहीं साहब, साइकिल भी जाए, साइकिल पे आना, मैं गाड़ी चला रही ना वो गाड़ी नहीं साहब, ये गाड़ी भी जाए, ये मैं इंस्पेक्टर रह के 3 स्टार रह के साइकिल पे आना हाँ। वो नहीं ये बोला साहब, क्या है मियाँ हाँ साहब चलिए बैठिए। अरे हवलदार भी नहीं बैठता इसके ऊपर, चला रहा हूँ ना साहब, हल्लू चला मियाँ, हल्लू चला रहा हूँ ना साहब, गाड़ी में से हल्लू लेके जा। साहब कैसा चलाऊं, साइकिल की चैन उतर गई, चढ़ा दो ना साहब। अरे चैन भी उतरी, चैन चढ़ाना, चढ़ा दिया साहब, बैठो, जरा चलाना था ना साहब। अरे चला भाई, अरे जरा डंडा मारो ना साहब। अरे क्या मुसीबत है रे भाई, ये साहब जरा चैन चढ़ाओ। मैं डालू रे चैन साहब, जरा चलाना भी था, मैं चलाऊं, अब मेरा हाथ नहीं हो रहा साहब। अरे मैं चलाऊं रे, मैं इंस्पेक्टर रे मैं। आओ साहब अब छोड़ के चले आना पड़ता। अच्छा बैठ बाबा, चलाता हूँ, क्या मुसीबत है रे ये, जा जाके जंगल में फंस गया क्या। अच्छा चला रहे साहब, पहले प्रैक्टिस थी क्या। रोको साहब, ठाकुर साहब की हवेली आ गई। बाबा बाबा बाबा, चढ़ डाला रे भाई, क्या मुसीबत है रे भाई ये। नहीं साहब, हाँ हाँ ठाकुर साहब की हवेली आ गई। अरे तू मेरे को लेने आया क्या, मैं तेरे को लेने आया। मैं लेने आया आपको, चलो अब चलो। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तक आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बाबा बाबा बाबा, कमर तोड़ दिया ठाकुर साहब। रामलाल इन्हें ले आओ ऊपर। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। कैसे हैं ठाकुर साहब। हाँ मैं ठीक हूँ, क्या लोगे, ठंडा या गरम। धूप में से आ ठाकुर साहब, अगर ठंडा होता तो अच्छा होता। रामलाल इन्हें ठंडा पानी और मेरे लिए गरम चाय ले आओ। ठीक है ठाकुर साहब, आपने मुझे क्यों याद किया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है ठाकुर साहब। रामलाल। जी ठाकुर साहब। तुम्हें इन दोनों को मेरे लिए पकड़ कर लाना होगा। ये दोनों तो चोर और बदमाश है ठाकुर साहब। मैं जानता हूँ ये दोनों चोर और बदमाश है, लेकिन बड़े बहादुर और निडर है। लगता है इन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बात का वाकया है, महबूब नगर में इन दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। अच्छा तो फिर क्या हुआ। ये दोनों चोर और बदमाश जरूर है, लेकिन बड़े बहादुर और निडर है। एक दिन का वाकया है कि ये दोनों किसी से झगड़ा कर रहे थे। बच्चू आखिर आ गए हमारे जंगल में। ये एरिया हमारा है और ये एरिया से बचकर कहीं नहीं जा सकते, समझे। एरिया शेरों के होते हैं, कुत्तों के नहीं बच्चू। वो एरिया हमारा था, ये एरिया तेरा है और तुझे तेरे ही एरिया में मारेंगे। जा बेटा जा, बता दे अपना धड़ाका। साले, दो दुख नहीं मार सकता, जा मार। क्या ये दो है लेकिन 10 के बराबर है। एक के इतना जज्बा है तो दूसरे का कितना होगा भाई। मैंने इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये दोनों भागने में कामयाब हुए।
पता चला कि महबूब नगर के इलाके में ये लोग मारपीट कर रहे थे। मैंने इन्हें पकड़कर ट्रैक्टर में हैदराबाद ले जा रहा था कि इंस्पेक्टर साहब एक बात पूछो। हाँ हाँ पूछो। आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? नहीं कोई नहीं। वही हम यार जय हमारे मामू के जैसे लगते हैं ना? मेरे को तो पूरे पुलिस वाले तेरे मामू के जैसे दिखते हैं। इंस्पेक्टर साहब हम लोग महबूब नगर में चोरी करते करते पकड़े गए थे। इंस्पेक्टर साहब पेशाब कर का तू जा वहाँ के लोग हमारे कुत्तों को मारे ऐसा मारे। वो पुलिस वाला सेम इनके मामू के जैसा था। क्यों वीरो? इंस्पेक्टर साहब इसको तो मजाक करने की आदत है, बुरा मत मानिएगा। कब से हो इस धंधे में? इंस्पेक्टर साहब यूँ समझो हम पैदा होते अपने पैरों पे ठहर गए। शुरुआत में हम लोग छोटे छोटे पाकिटा मारना शुरू करे, बाद में चोरियाँ, हाथ की सफाई, बाद में एक्सपीरियंस बढ़ता गया, बड़े बड़े चोरियाँ, डाके शुरू करे हम लोग। लेकिन क्या फायदा इस धंधे में? इस धंधे में फायदा ही फायदा है इंस्पेक्टर साहब। वो कैसे? नया बिजनेस शुरू करना बोलते जेब से पैसा लगाना पड़ता, इसके अंदर पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा हाथ। देखो अच्छा बोले इंस्पेक्टर साहब, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करा तो क्या बैगन खाएगा? तुम्हारा क्या है, सरकारी नौकरी है, मैं ना होते तनख्वाह आ जाती, वजीफा भी मिलता, बाप दादा की जायदाद छोड़ के गए हुए हैं, सुकून से फुटे तक खा रहे, हम क्या करें? तो क्या समझे, क्या मैं नौकरी पैसों के लिए कर रहा हूँ? मुझे खतरों से खेलने का शौक, इसीलिए। इंस्पेक्टर साहब आपको इतना ही खतरों से खेलने का शौक है तो अक्षय कुमार की टीम में चले जाओ, खतरों के खिलाड़ी में, हमारे को कहीं को पकड़ेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब डाकू आ गए। अरे डाकू? हाँ डाकू। अरे स्टार्ट करो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चले जल्दी। अरे ट्रैक्टर वाले भगा। सब मेरे को छोड़ के देखो, कैसा बजा तुम कब आ जाओ? अभी भी सोच लो वक्त है। भागने की कोशिश मत करना। मेरा खून उसको निकल रहा तो क्या बोलता? चल उड़ा वही अपना पुराना शबरू। चीता आया तो खरबूज छोड़ के जाना, तरबूज आया तो लेके जाना। अरे तरबूज यानी भागो। ये दोनों बहादुर और वफादार है। जय चल ठाकुर को भी लेके जाएंगे। नहीं तरबूज आ गया, छोड़ने कहा है छोड़ना, चल। जय छोड़ना नहीं है, पैसे तो ले लिए, ठाकुर को भी लेके जाएंगे। ठीक है शुक्रिया ठाकुर साहब। अच्छा ठाकुर साहब ये दोनों मिलते ही मैं आपको बता दूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है, अगर इसके लिए कुछ हो जाता आप समझ गए ना रामलाल जी? ठाकुर साहब शुक्रिया ठाकुर साहब। रामलाल जी ठाकुर साहब इंस्पेक्टर साहब को छोड़कर अबा जी पैदल चले आते, लाल मिट्टी में से निचल के बहुत दिन हुआ। इंस्पेक्टर साहब रास्ता तो मालूम है ना आपको? अरे मालूम है रे भाई, अच्छा मालूम है मेरे को, भूला नहीं रास्ता। कौन तो भी है रे, और अंदर कैसा घुसे, इधर तो भी आ गए। पहलवान आपसे छोटा सा काम। तुम लोगों को मेरे से काम है? मेरे से क्या काम है रे तुम लोगों को? एक जना 2 लाख रुपए देना। हाँ दिला दे तो मेहरबानी होती। 2 लाख रुपए? वो भी मैं दिलाऊंगा। जी हाँ 2 लाख रुपए के लिए 3 लाख रुपए के लिए ये चीनी पहलवान नहीं आता, 50 लाख रुपए के लिए तो ये मेरे पट्टे आते, 1 करोड़ के ऊपर है तो बोलो चीनी पहलवान आता। छोटा मोटा मामला है, दिला दिए तो अच्छा रहता। 2 लाख रुपए मैं वसूल करके जाते, जीपे मारो रे। ठीक है पहलवान चले आते।
तूने सही बोला था इसके बारे में, इन्हें चीनी पहलवान नहीं चिंदी पहलवान है बोल के आहिस्ता बोल रहे, सुन रहा हूँ। इधर आओ, जानतो इधर आओ, बोला ना कौन क्या बोल रहा था मेरे बारे में? नहीं पहलवान जानतो, छोड़ो छोड़ो, कौन क्या बोल रहा था बोला ना? नहीं पहलवान, उन बोल रहा था पहलवान वाले कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, बोल रहा हूँ। कौन बोला चीनी पहलवान? चीनी पहलवान हूँ, आओ मैं जाऊँ। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? उसको बुला दे, बुला लो, बोल रहा था। कौन बोल रहा था रे? वो होटल वाला। तूने बोल रहा था मेरे बारे में? हो पहलवान, क्या तो भी बोल रहा था? कौन बोल रहा? पहलवान क्या करते, कुछ भी नहीं खेल सकते बोल रहा, कुछ भी नहीं कर ले सकते बोला। चीनी पहलवान को बोला, उखाड़ लो बोला, उखाड़ लो बोला। तो क्या करते पहलवान, सुन के नहीं आए तो? ठीक है, अब तुम लोगों के पैसे मैं वसूल करके देता हूँ, बेफिक्र रहो। चलो रे पट्टो, चलो तुम लोग, चलो मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया। चलो रे, चल वीरू चल। अरे शब्बीर लगामिया लगा। पाशा भाई। हाँ? पहलवान भेजा है मेरे को, वो देख रहे हैं आप? हाँ? पहलवान हाथ बताओ। कई को? पहलवान बोल रहे 2 लाख रुपए होना करते। हाँ? 2 लाख? हाँ। कई के वास्ते? हाँ। पहलवान 2 लाख रुपए मंगा रहे, नहीं दिए तो तुम्हारे को फैमिली के साथ। हाँ? अरे अरे कैसा देते जी? नहीं दे सकता भाई, पहले कारोबार नहीं है। नहीं दिए तो तुम्हारे को तुम्हारे बीवी बच्चों को कर देते बोल रहे। हाँ? दिया नहीं दिया? देना। अरे क्या परेशानी है? नहीं दिया। देना पहलवान। दिया तो मैं आता हूँ, आओ मुझे बोल के। अगर कारोबार करना है तो देना पड़ता पहलवान को। नहीं 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 नहीं, उतने नहीं है, 2 लाख नहीं है। कितने है? 1 या 1.5 लाख। ठीक है दे दो, पहलवान को संभाले तुम। सुबह सुबह किसकी सूरत देखा रे, दो जल्दी दो। दो लाख रुपए दिया ना दे रहे पहलवान, दे रहे। अरे जल्दी दो पाशा भाई, दे दो भाई, सुकून से रहो, धंधा करो। दे दिया। अच्छा देखो पहलवान, देखो हाथ बता दो। ठीक है, क्या करते मियां? दे दे पहलवान, शुक्रिया। अरे मोइन लूट गया। हां भेज दीजिए, हो जाएगा आपका काम। पहलवान, हां चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करो। अरे इधर आना हुआ पहलवान, वो तरकारी की मंडी वाले आपको आके जाओ बोल रहे, आपको जरा याद कर रहे। तरकारी वाले याद कर रहे? हो मैं आके क्या करूंगा भाई, वो तरकारी वालों के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप आके खाली दूर से ऐसा हाथ बता दिए तो बस है। दूर से हाथ बता दिए तो बस है? आपका बहुत नाम है, आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। पहलवान बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं बोल के बोल रहे हैं वो तरकारी वाले। ठीक है, आप लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं मुझसे और पहली बार आप लोग कहीं बुला रहे हैं मुझे, जी, जी। मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया पहलवान, शुक्रिया पहलवान। जहांगीर मियां, छाऊ साहब, ऐसा चल रहा धंधा, तोलते रहो तोलते रहो। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम साहब। क्या नाम है आपका? शरीफ है साहब। हमारे शरीफ साहब जी बोलिए। 50 किलो तरकारी होना हमारे पास। कितने पैसे होते उसके? 3,000 रुपए होते साहब। हाँ होते ना जी, हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं है तो तरकारी नहीं देते साहब? हाँ तरकारी नहीं देते, वो देख रहे हैं पहलवान को। हाँ देखा, खतरनाक है वो पहलवान। खतरनाक है तो मैं क्या करूँ साहब? हाँ, ये तो तुम्हारे को तुम्हारे बीवी बच्चों को हाँ? गर्दन काट देता हूँ बोल रहा। माँ इतनी सब तरकारी हाँ? मैं बगैर पैसों की नहीं दे सकता ना साहब। वो अपने को नहीं मालूम, तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत है ना बोले तो पहलवान को तरकारी दे देना। फौरन डालो तोलो, मैं तो फिर आ जाता। देखो हाँ डालो तरकारी, डालो आलू गाजर टमाटे। हाँ पकड़ो सब डालो 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 उठाओ उठाओ। एक मर्तबा हाथ बता दो पहलवान को। पहलवान कैसे खुश है ना? मिल गया माल, चलो ये थैला उठाओ, सॉलिड माल दिख रहा। उठा मियां उठा। अरे वो कहाँ ले जा रहे साहब? अरे ले जा रहे साहब, अरे वो कहाँ ले जा रहे साहब? अरे पहलवान देख रहा, पहलवान देख रहा। बैठो बैठो, मर जाता मर जाता रे मर जाता तू। शुक्रिया पहलवान, शुक्रिया शुक्रिया। अरे वो तरकारी मार्केट वाला खुश तो हो गया ना? बहुत खुश हो गया पहलवान, आप आए बोल के बहुत खुश हो गया बेचारा। सही थी? अरे आप लोग बुलाए मैं आया, दिल रखे बहुत याद कर रहा था, बहुत अच्छे आदमी है बोल रहा था उन्हें। मगर मियां मेरे को एक डाउट आया,
वो थैला क्या है मियां? हाँ, पहलवान वो तरकारी वाला कमजोर नातावान उठा नहीं सक रहा था तो हम थोड़ी उसकी मदद कर दी है। हम आपकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते पहलवान। पहलवान उन बोल रहा था चीनी पहलवान को तरकारी लेके जाओ। हम बोले नहीं, पहलवान उतरे गिरे हुए नहीं है, बहुत पैसे उनके पास पता नहीं। बहुत अच्छा करा भाई, बहुत अच्छा करा भाई। पहलवान आप लोग तो खुश है ना? जी, एक मरतब उधर हाथ बता दो, बता दो। पहलवान इनुच है, पहलवान इनुच है। अरे बिल्ला, ये दोनों जब से मिले ना, मेरे को लीडर बना के छोड़े सर का दिख रहा। मगर कुछ भी बोलो, वो दोनों मिलके मेरे को खुश खुश कर दे रहे। नाम लिया और ये हाजिर हो गए। अरे मियां, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। कान पकड़ लो। कान पकड़ लिए। बहुत लंबी उम्र है रे तुम लोगों की, 100 साल जीते। वैसे भी इधर किधर आना हुआ सुबह सुबह? चीनी भाई, कल मार्केट को आए थे ना तरकारी के? हाँ, गए थे। उसके बाजू में एक बहुत बड़ी चावल की फैक्ट्री है। हाय। उन लोग अभी ख्वाहिश कर रहे हैं आप एक मर्तबा उन लोगों के पास भी आके गए तो अच्छा है, बोल रहे। मैं क्या करूं भाई वहां आकर? मैं तरकारी मार्केट में आया ना, फिर अब अनाज वालों के पास आके मैं क्या करूंगा भाई? उन लोगों की ख्वाहिश, उनको बोल दो भाई मेरे से नहीं होता अनाज वालों के पास। एक बार आप आ गए उनकी जिंदगी बन जाती। ऐसा? उतना ही नाराज अगर वो है तो मैं आके गले मिल ले तो बोलो। दूर से हाथ बता के बोला मैं अच्छा हूँ, तुम लोग अच्छे है क्या? बोल के इतना करना, हाथ बता दिए तो खुश रहते। हाथ बताओ और चले जाओ। अरे इतने बोले इंसानों के पास मत ले जाओ मेरे को, किसी बड़े आदमी को लेके जाओ ना। अरे आप भी बहुत बड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं है, आप भी नेता से कम नहीं है चीनी भाई। देख अरे तुम लोग खा खा के ऐसे हो गए, ये दोनों देख मेरी इज्जत कैसा बढ़ा रहे शहर में। मैं आप लोग इतना ख्वाहिश कर रहे तो मैं जरूर मिलने आऊंगा भाई, आप लोग बुलाए मैं कल जरूर इंतजार करे हम लोग। पहलवान को चल 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 चल। आइए आइए। नमस्ते सेठ। नमस्कार नमस्कार। सब वो चावल के थैले होना था लारी भर के, वो पहलवान को देख रहे उधर? हाँ। नहीं दिए तो आपको आपके बीवी बच्चों को लेके जाके कर देता हूँ, बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ऐसे कैसे होता? चावल लेके जाओ भाई, एक थैला दे तू लेके जाओ। दे दे फिर। हाँ लेके जाओ। एक थैला नहीं होना है, एक लारी होना है। गाड़ी में डाल के लेके जाओ एक थैला। गाड़ी नहीं, आप बोल रहे हो ना, लेके जाओ एक थैला। पूरी गाड़ी भर के होना है। हाँ भर के लेके जाओ। वो जो पहलवान है, हाथ बताओ पहलवान, हाथ बताओ पहलवान। अच्छे अच्छे हो सर। अरे डालो मियां डालो, जल्दी डालो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये लारी भर के चावल देने का। अच्छा शुक्रिया सेठ, मजदूरों की मजदूरी भी दे दो। आगे निकालो गाड़ी। जुलुम है भाई। दीजिए बोल के पहलवान को हाथ बता दो। पहलवान दे दिया। पहलवान दे दिए। चलो चलो मियां जल्दी डालो। शुक्रिया पहलवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो लोग खुश तो भी है ना? बहुत खुश हो गए पहलवान, आपको देख के बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश। अच्छा मगर वो तुम लोग लारी में चावल डाल के डालो 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 बोल रहे थे, इधर ले आ रहे थे? कुछ भी नहीं, उनको अपना काम करो बोल रहे थे हम। ऐसा? और सब ठीक है ना? हम कहाँ ले जाएंगे पहलवान, खाली आपको मिलाने लाए, आपको देख के बहुत खुश हो गए लोग। अरे बस बस बस, सलाम बोल रहे हैं वो लोग पहलवान को। अरे ऐसे कामों के लिए बुलाओ भाई, मैं आता हूँ। पहलवान आप हमारा सपोर्ट करो, हमारी जिंदगी बन जाती, बेफिक्र रहो। ठीक है ठीक है, चलो। चीनी भाई, चीनी भाई। अरे आदाब चीनी भाई, किधर है भाई तुम लोग? कैसे हैं? आपके शहर में है क्या बात? चीनी भाई कैसे आना हुआ? और एक एक तकलीफ देने आ गए हम लोग आपको। तकलीफ की क्या बात है भाई हमारे को? दरअसल बात यह है, पूरे कपड़ों के दुकान वाले उन लोग अभी जरा आपसे मिलना चाह रहे हैं चीनी भाई। अरे तरकारी वाले हो गए, अनाज वाले हो गए, अब कपड़े वाले भी बुला रहे हैं। और चौथा, इतने हमदर्दियां करे तो हम लोग सोचे हम लोग घर में आपको दावत देंगे, और हमारे मकानदार भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। मगर बड़ी खुशी की बात है वो। अच्छा इनको भी आके हाथ बताना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, आप इनसे गले मिल सकते आप। अच्छा आपके मकानदार से गले मिल? जी बिल्कुल। चलो खुशी भी, मैं बराबर आऊंगा आके मकानदार से मिलूंगा। अरे आगे चीनी भाई, आइए। वेलकम वेलकम। आपके आने से रौनक बढ़ गई इस घर की, यहाँ पर बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे आप लोग बैठना, आप बैठिए। नहीं कोई बात, इतनी हिम्मत हमारी आपके साथ जो बैठे चीनी भाई। चीनी भाई क्या लेंगे आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोगों की मोहब्बत थी तो
तो आप घर बुलाए, मैं आ गया। बिरयानी वो लाऊं क्या चीनी भाई? अरे कुछ भी ना, को जहमत मत करो, बोला ना, तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप लोग कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? हालात बहुत खराब चल रहे हैं हमारे। आप लोगों की हालत खराब है? हाँ। ऐसा करिए, आप घबराइए मत, पैसे मत दीजिए। नहीं, 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 पैसे मत दीजिए। अरे ठहरिए, क्या कर रहे हैं? अरे कार्ड वार्ड दे दीजिए, हम एटीएम से निकाल। पैसे पैसे नहीं है, ये कार्ड लीजिए। इसका पिन नंबर? इस कार्ड के पीछे नंबर भी है। जी शुक्रिया। आप दोनों से क्या है? आप लोग मेरा बुरा तो नहीं चाह रहे ना? खर्चे के लिए दे रहा हूँ, अपने अपने खर्चे निकाल लीजिए। आप लोग, आप जरा परेशान दिख रहे हैं मेरे को। वो हमारे मकानदार जरा आपसे मिलना चाहते हैं, आप जरा तकलीफ नहीं हुई तो। अच्छा, थोड़ी देर बताए थे आप मुझे? अरे हाँ, जी, जल्दी जी, बुलाओ जी, आप जी। अच्छा, जरा मकानदार क्या देख, हवा में यहाँ किराया कब देते? मकानदार साहब थोड़ा टाइम दे दो, क्या आपको दे देते किराया? नहीं तो उठा के फर्नीचर सब बाहर फेंक देता हूँ। अरे ऐसा मत करिए, आप हमारा फर्नीचर फेंक दिए तो कहाँ जाएंगे हम लोग? चीनी भाई, ये हमारे, ये कौन है? हमारे मकानदार। अच्छा, वालेकुम सलाम, आइए आइए बैठिए, आइए आइए। ये दोनों को कुछ बोले तो नहीं ना? नहीं 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 साहब। वैसे भी ये दोनों मेरे भाया हैं। जी। अगर कोई भी इनको घूरा, मैं उसकी आँखें निकाल देता हूँ। हाँ। अगर कोई भी उसको हाथ भी लगाया तो हाथ काट देता हूँ, पैर भी लगाया ना पैर उखाड़ देता हूँ, समझे ना आप? समझ गया। कुछ पैसे वगैरह होना तो? नहीं, कुछ भी ना को। आप अभी बोल रहे थे ना पैसों के बारे अच्छा? में वो सुधर गए मकान, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं चलता हूँ, जरा इन दोनों का ख्याल रखना। जी अच्छा, चलता हूँ। ठीक है ना पहलवान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कुछ किराया विराया होना क्या? नको भाई, किराया आपके पास जब आए जब दे दो। हमारे पास आते ही हम आपको अच्छा, लाके दे देते, बेफिक्र रहो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। चलिए चलिए चलिए। इधर किधर आ गए? वो सब छोड़, पहले ये बोल कि शहर में क्या हो रहा है। शहर के हालात बहुत खराब है साहब। अच्छा, ये चुरियां तलवारां दंगे फसाद, कभी इधर बंद कभी उधर बंद, ये बम ब्लास्ट, दिमाग खराब हो जा रहा साहब। मैं तेरे से शहर की न्यूज नहीं पूछा, पहले ये बोल तू ये क्या कर रहा? मैं क्या करा साहब? नको बोल रहे, बहुत कंप्लेन है तेरे खिलाफ में। कौन सी प्लेट साहब? बेटा नहीं रे, कंप्लेना। साहब आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साहब। उल्टा लटका के दो डंडे मारा ना तो सब समझ में आ जाएगा तेरे को। साहब साहब बोलो, क्यों घुमा पे आके भेजा खराब कर रहे हैं साहब? वो होटल वाले के 2 लाख खाया करते ना रे तू। 2 लाख? जिंदगी में मैं किसी से 2 रुपए नहीं खाया साहब। अच्छा। जल्दी रख। वो चावल वाले का क्या किस्सा है रे? चावल? कौन से चावल साहब? बैठ। शुक्रिया साहब, चावल के रेटा बहुत बड़े हुए हैं साहब। मैं चावल के रेटा नहीं पूछा रे तेरे से। वैसे भी तुम कौन से चावल के पैसे दे के लेते? चावल के 50 थैले खाली हाथ बता के डाल लिया करते ना रे तू। 50 थैले? क्या बोला? मेरे को महीने को 2 थैले लगते साहब। 50 थैले लेके मैं क्या करूँगा साहब? वही पूछ रहा हूँ, इतने थैले क्यों उठाया?
मैंने उठाया साहब। शर्म आना रे तेरे को, और तो और मकानदार को भी नहीं छोड़ा रे तू, थू है रे तेरी जिंदगी पे। साहब ये सारे इल्जाम गलत था साहब। हाँ? ये कामा मैं 3 साल पहले छोड़ दिया साहब। 3 साल नहीं रे, 3 दिन पहले करा तू। 3 दिन पहले? याद कर। याद कर तो साहब। जरा 2 लाख रुपए देना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। याद आ गया साहब, याद आ गया साहब, याद आ गया, याद आ गया साहब, आ गया। अरे याद तेरे को, याद आ गया साहब। वो 2 साल है साहब। कौन रे? अरे वो दोनों साहब। अरे वो दो नहीं रे, तू रे। नहीं साहब तू रे, चल। अरे चल रे, चल चल, दादागिरी कर रहा रे तू, सब मालूम हो जाएगा, चल तू चल। अरे पकड़ो रे, कितनी दूर जाता रे, कितनी दूर जाता तू, डालो सालों को गाड़ी में डालो, चल हट। अरे मियाँ एक तो अच्छा हुआ। हाँ। चीनी पहलवान को अपन हौला बना दिए। हाँ। क्या बोलता? सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन चीनी पहलवान पकड़े गया बोल के सुनने में आया। अरे हो मालूम पड़ा, पुलिस पकड़ लेके थे उसको। चीनी पहलवान बहुत शाना है, उसको नहीं पकड़ सकती पुलिस। मगर मेरे को डॉट क्या रहा बोले तो, इन अपने बारे में पुलिस को बोल दिया तो। पुलिस को तो बोले वैसा नहीं है उन्हें, फिर भी बोल दिया तो मुश्किल है रे। अरे पुलिस वाला आ रहा। अरे हो मियाँ, सही में पुलिस है मियाँ, भाग। अपन तो चीनी पहलवान से बच गए मियाँ। चीनी पहलवान से तो बच गए, निकल गए, अब जाए तो जाए कहाँ? इंस्पेक्टर साहब आप, अरे हम लोग कुछ भी नहीं करें इंस्पेक्टर साहब, वो चीनी पहलवान। चीनी पहलवान से अपना कोई लेना देना नहीं है। चीनी पहलवान वो कौन? आप दोनों को जो है ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर? ठाकुर साहब? हाँ हाँ। कौन से ठाकुर साहब? अरे वही ठाकुर, अपने ट्रैक्टर वाले ठाकुर। हाँ। ट्रैक्टर वाले ठाकुर साहब। हाँ। ठीक है ठीक है। ठाकुर के पास बाजरा बहुत है, वहाँ जाके हाथ साफ कर देंगे, क्या बोलता? उसका माल साफ करके निकल जाएंगे। हाँ। चलो चलो। चलिए चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलो। चीनी पहलवान से बचने का मौका अच्छा। नमस्कार ठाकुर साहब। क्या ठाकुर साहब, आप किसको जेल छोड़ने आए? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, सिर्फ ठाकुर बलराम हूँ। लोगों को दम करने का शौक छुट गया क्या ठाकुर साहब? अगर तुम्हारे पित्ते में इतना दम है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते ठाकुर साहब। कितने चाहिए? काम क्या है? अगर बहादुर हो तो काम क्यों पूछते हो? दाम जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। आरमगढ़ आकर मेरा पता पूछ लेना, कोई भी मेरा पता बता देंगे। क्या बोलता? वही निकाल अपना पुराना। ये तरबूज? ये खरबूज। ये खरबूज, खरबूज यानी ठाकुर साहब, तरबूज कैंसर। ठाकुर, ठाकुर तरबूज, चल। अरे हटो मियां, क्या दबा दे रहे? अरे आधा मार मार के बदबू कर दे गाड़ी में पूरी। इतने गंदे लोग हैं यार, एक साल दो साल से नए नए उन लोग। आरामगढ़ आ गया मियां। तो
तूने कभी मिर्ची को मिर्ची तलते हुए देखा है? अरे बोल रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चल चल देखते हैं। चल हाँ बोलो, क्या लोगे? शक्ल से तो शहरी लौंडे लग रहे हो, या गांव में किससे मिलने आए हो? हम लोग ठाकुर साहब से मिलने आए। अच्छा, क्या तुम्हारे को ठाकुर साहब का पता मालूम है? लो कर लो बात। और इस गांव में कौन है जिसको मैं नहीं जानती, छोटा हो या बड़ा, गाय हो या कुत्ता? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो वनस्पति किसी को अपना नाम नहीं बताती। वनस्पति, तुम्हारा नाम क्या है? चुप है, जब देखो बकवास करते रहता। अब तुम लोग ठाकुर साहब के आदमी हो तो मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम वनस्पति है। इतना प्यारा नाम है तुम्हारा, तुम लड़की होकर मिर्चियाँ क्यों तलती हो वनस्पति? तो क्या हुआ, और मर्दा भी तो औरतों के काम करते हैं, धोना पकाना धुलाना। और वैसे भी वनस्पति किसी मर्द से कम थोड़ी है। सही। और वनस्पति की मिर्ची पूरे शहर में मशहूर है। अब कुछ खिलाओगी या सिर्फ खाली बातें ही करोगी? सूरज से तो काफी भूखे नजर आ रहे हो, बोलो क्या लोगे? अबा, इसकी जबान इतनी तेज है तो इसके मिर्चियाँ कितने तेज होंगे? मैं तो मिर्चियाँ खाऊंगा, और ये मिर्चियाँ ठंडे हैं, मेरे को गरम गरम मिर्चियाँ डाल के दो ना वनस्पति। ठीक है। अरे कढ़ाई में पसीना। अम्मा, मैं तो ठंडे मिर्चियाँ खा लेता हूँ, गरम मिर्चियाँ नहीं होना मेरे। मैं भी ठंडे खा लेता हूँ। तुम ना बहुत अच्छे हो, लेकिन ये लंबू है ना, थोड़ा शाना दिख रहा, इससे कह दो मेरे साथ डेढ़ होशियारी ना करे। कितने पैसे हुए वनस्पति? अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम लोग ठाकुर साहब के आदमी हो, पैसे ना मैं अगली बार ले लूँ। एक एहसान हम पे कर दो। वो क्या? ठाकुर साहब का पता बता दो। हाँ तो पता सुनो, जैसे आप दोनों यहाँ से स्ट्रेट जाना, जब आप स्ट्रेट जाओगे वहाँ पे एक चौरस्ता आता है, चौरस्ते के बाद आप राइट ले लो, जब आप राइट लोगे वहाँ पर एक कचरा कुंडी मिलेगी, ठीक है? जब आप राइट टर्न लोगे तो वहाँ पे बहुत ही गंदी बू आ रही होगी, मगर आपको बर्दाश्त नहीं होने वाली, तो एक काम करो, बस वहीं पर सामने आपको ठाकुर साहब का घर नजर आ जाएगा। वनस्पति, अब हम चलते हैं। ठीक है ठीक है। वनस्पति, अब मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। अबे चल मिया, आप क्या, आप तू भी मिर्चियां तलता? अरे वाह, क्या लंबा रास्ता है मिया। हाँ सही बोला तू, ओफो पहाड़ों में आ गया हिंदी भाई, सांस फूलना शुरू होगी। देखो देखा, ठाकुर को भी ये जगह मिली रही, इसके आसे जंगल में बसा आखिर लगता है ठाकुर का घर यही है। सही बोल रहा तू, यही लगता है ठाकुर का घर, क्यों यहीं पे बदबू आ रही है। चल चल के देखते हैं। चल लॉक तो नहीं है? अरे खुल गया। जिधर देखो जाले ही जाले नजर आ रहे हैं हवेली में। ये तो शैतानी हवेली दिख रही मियां। क्या तो भी हो रहा है वहाँ, बहुत लोग जमा हो गए। लगता है ठाकुर उखड़ गया। हाँ चलो देखते हैं। तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। हाँ ठाकुर साहब। ये 50,000 एडवांस ले लो, फिलहाल ये 50,000 है, और बाकी के 4.5 लाख काम होने के बाद। रामलाल जी, इन लोग थक गए हैं जी, इन्हें इनका रूम बताओ। ठीक है, ये आराम कर लेंगे। ठीक है। वीरू, इसमें पैसे है या फतरे है? पैसे है मेरे भाई। अरे चल फिर। अम्मा क्या वजन है रे, रख नीचे रख। अरे संभाल के, बाजरा है रे बाजरा। क्या वजन दिया रे ठाकुर भी। अरे अरे अरे, क्या कमरा है रे भाई, ना टीवी है ना फ्रिज है ना पंखा है, जेल से भी बदतर है कमरा ये। अबे क्या मच्छरा है रे भाई। अरे मच्छरा मच्छरा छोड़, जरा थैले में क्या है देख। अरे आ, आ, आ,
अरे ये क्या है रे चिल्लेर? लियो ठाकुर साहब तुम लोगों के वास्ते खाना भेजा है, सुरतापुरे सूखे खूब दबा के खाओ। अबे ओ चिल्लर चिल्लर बिल्लर किसको बोल रहे जी? चार्ली है मेरा नाम, चार्ली। अरे हो हमारे चार्ली भाई, उससे मैं कई को आ रही ये पूछ रहे हैं, आखिर ये चिल्लर क्या है? क्या हमारे को फकीरा समझे और ये चंदे के फकीरों के जैसा हम लोग गिन लेते बैठने के वास्ते? ये चिल्लर गिन गिन के हमारी जिंदगी गुजर जाएंगी, मगर ये चिल्लर कभी खत्म नहीं होगा। चिल्लर गिनने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे 50,000 है। अबे खाना रख दिया, चल निकल यहाँ से, चल चिल्लर चार्ली की औलाद। वैसे भी मेरे को बैठने का शौक नहीं है, मेरे टीवी सीरियल का टेम हो रहा। टीवी सीरियल? कौन सा सीरियल देखते चार्ली साहब? हॉट मिडनाइट हॉट। आबा मिडनाइट हॉट देख रहा, ऐसा तड़क रहा मोटे की हालत देखो। चल चल रे चल आउट। यहाँ कौन बैठ रहा? कल मैं गाँव को जा रहा हूँ, आ तो इतना। अरे जान दे रे भाई इसको छोड़, जबरदस्त भूख लग रही। ये डब्बों में क्या है देख, क्या सूदी बुआरी। हाँ दाल है इसमें, दाल है। ठाकुर तो बड़ा कमीना निकला, वहाँ लौड़ियों के ऊपर नोटा उड़ा रहा था, हमारे को चिल्लर थमा दिया, और मैं ये कब तक गिनते रहूं चिल्लर? वीरू तू टेंशन न कुल, ठाकुर के पास बहुत बाजरा है। अरे जरा चिल्लर तो निकाल। ये चिल्लर ये ले। अरे रे 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 रे, ये तो एक एक रुपया दो दो रुपया है ना रे, कैसा गिनो आप ये पैसे में? चल गिनेंगे चल, इसकी माँ की परेशानी मारे। ठाकुर की तो ऐसी के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस। छ हजार एक छ हजार दो छ हजार तीन छ हजार चार छ हजार पाँच। अब मार रगा पकड़ ले रे रे ने होता मेरे से। तैतीस हजार तीन सौ सत्रह, तैतीस हजार तीन सौ अठारह, तैतीस हजार तीन सौ उन्नीस। अरे 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 खाले, अरे अरे वीरो, अरे उठ में आउट। अरे देख, अरे इसमें 10,151 कम है रे, 50,000 बोल के दिया, 39 है, देख खाली हो गई थैली। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ठाकुर तो 50,000 दिया था। 39,000 है गिना ना। ठाकुर चोर है, झूठा है ठाकुर। चल जाएंगे चल चल जाए चल, आज ठाकुर का फैसला कर देंगे। हाँ चल, हाथा पैरा थका दिया चिल्लर गिना गिना के। चल ठाकुर साहब, हमारे से इतना चिल्लर गिना थे तुम? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? सरासर ये गलत है, ये धोखा है, ये झूठ है। कैसा धोखा? सब कुछ जानते हुए अनजान मत बनो ठाकुर साहब। जय हिसाब में कमजोर है तो क्या हुआ, लेकिन मैं हिसाब अच्छी तरह से जानता हूँ। 5 + 5 = 10, 10 में से 5 निकाले तो 5 बचते। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? पूरे 50,000 में 10,151 रुपए कम है ठाकुर साहब। रामलाल हमने तेने 50,000 रुपए दिए थे। हाँ ठाकुर साहब, पूरे 50,000 दिए थे। नहीं ठाकुर साहब, 10,151 रुपए कम है, कम है। नहीं ये गलत है, हमने तो पूरे 50,000 रुपए गिन के दिए थे तुमको। हाँ ठाकुर साहब, हमने तो पूरे 50,000 दिए। नहीं ठाकुर साहब, ये सरासर धोखा है, सारी रात जाकर हम लोग गिने हैं, समझे? रामलाल अगर इनको शक है, इनसे कहो के फिर एक बार गिन ले चिल्लर। फिर से गिनना? नहीं ठाकुर साहब, अब ये गिनना हमारे से नहीं होता। रात तमाम गिन गिन के हमारे हाथों पैरों में चुमटियां भर गए, अब नहीं गिन सकते। माफ कर दो ठाकुर साहब, ऐसा कई को कर रहे ठाकुर साहब? देना है तो पहले ही बोल देना था, 10,151 रुपए कम है, खाली थका दिए हमारे को। मैं यही तो देखना चाहता था,
तुम्हारे बाजू में अब भी वही ताकत है क्या वक्त की मार ने तुम्हें खोखला कर दिया? तो फिर क्या लगा आपको? मैंने देखा है तुम लोगों को यहाँ पर बुलाकर कोई गलती नहीं की। ठाकुर साहब, आपने एक गलती की जो आपका चिल्लर हमारे सामने लाके है। यार जय, ठाकुर तो सो गया होगा अभी। हाँ यार वीरू, हाँ ठाकुर के पास इतना सारा चिल्लर है, हाँ तो उसकी तिजोरी में काफी नोटा होंगे। जाहिर बात है। एक काम करते हैं अपन, आज रात में उसकी तिजोरी, कल सुबह आउट। आज रात में नहीं, अब बीच बोल, अब बीच। ऐसा बोलो, चल ठीक है, चल। रामू काका को कोई काम नहीं है, हमेशा ठाकुर के बगल में रहता है। अरे यार, सारी रात ये बड़बागल की तरह जागते रहता है। जानते जानते खामोश बैठ। अरे यार, ये मेरे से नहीं होगा। रामू काका काली बिल्ली आड़े आए वैसा आ गया। मेरे को नींद भी आ रही। तू जा इसका काम कर, मैं चलता हूँ भाई। साला डरकू डल्ली, बाजार में फल्ली। अरे फिर क्या, क्यों गिर गया जी ने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कुछ भी नहीं हुआ, क्या तो भी हुआ, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या देख लिए की क्या नहीं की। चाशंबे की रात कर रहे हैं भाई। अरे अरे आप जा कर रहे हैं, पहले देखिए ने। डॉक्टर साहब देखिए ना। हाँ हाँ क्या हुआ? देखू। अरे क्या देखूं, देखे सर का हटने वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अरे नॉर्मल है भाई, आदमी उठ रहा फिर बेहोश हो जा रहा। अरे मैं क्या करूँ यार, अरे मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे डॉक्टर साहब, अरे नहीं होता है, हाथ जोड़ के। अरे रखो बाबा, मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। अरे ओ धोनिया, कहाँ मर गए रे सब? राम दादे, इतने छोटे भगोने में क्या लेके आया? खाना रहे साहब। इतना थोड़ा लेके आया? बाकी क्या तेरे घर वालों को खिलाने के लिए रखा? सब माल रख दो वहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। ऐरो, रख दो सब माल वहीं पर, और जब तक मैं जिंदा हूँ जाकर कह दो जब्बर सिंह से तुम्हें यहाँ से एक निवाला भी नहीं मिलेगा। कौन रोकेगा हमें? मैं और मेरे शेरा। सुनो गांव वालों, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पा ली है। काफी है ठाकुर, क्या तुझे नहीं मालूम जब्बर सिर्फ चाय पीता है, कॉफी नहीं। वो कालिया जाहिल गधे, काफी मतलब तुम लोगों पर भारी है। ठाकुर, जब्बर से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। कालिया, जा जब्बर से कह दे के गांव वालों ने पागल कुत्तों को छिचड़े डालना छोड़ दिया है। ठाकुर, क्या जब्बर को तू नहीं जानता? दुनिया में जब 100 कुत्ते 100 कमीने 100 हरामजादे मरते हैं तो एक जब्बर पैदा होता है। क्या मेरे ये दो आदमी गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक है? कहीं को बोले तो गब्बर सिंह के जैसे 100 कुत्ते और तेरे जैसे 100 कमीने मरते हैं ना, तब जाके ऐसे दो जंगली सुवर पैदा होते हैं। ठाकुर, तू जब्बर के गुस्से को नहीं जानता, ये जब गुस्सा आता है वो एक हैवान बन जाता है। कालिया, तू इनकी भोली सूरत पे मत जा, ये इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए है, और जब इन्हें गुस्सा आता है ना ये जंगली सांड बन जाते हैं।
जब्बर के जैसा हरामी सारे गांव में नहीं है। कालिया, इनके जैसे हरामी सारी दुनिया में नहीं है। इनका बस चला तो अपनी माँ को भी बेच खाए। ठाकुर, जब्बर एक गंदी नाली का कीड़ा है। कालिया, ये दोनों गटर के कीड़े है। ठाकुर, जब्बर एक नागिन का बेटा है, उसके रगों में जहरीला खून है। कालिया, ये दोनों लोमड़ी के बेटे हैं और इनकी रगों में हराम का खून है। उन लोग समझ गए। माँ कसम, इतनी इज्जत हमें दुनिया में नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं जय, ये तो मेरा फर्ज था। ठाकुर, फिर एक बार सोच लो। अरे वो हमचूरे की औलाद, जले हुए कोयले, तेरे को जब से बोले तो समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर सोच लो, कल रात से लूज मोशन लगे है जब्बर को। अगर जब्बर को खाना और चाय नहीं मिलेगी, सारे गांव को बैगन में मिला देगा। अबे वो रीच की औलाद, हम तुम्हारी बगल में घूंसे मारेंगे। चलो बड़ो यहाँ से। अरे चल ठाकुर, चल चल, जा रहे जा रहे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। ఇద్దరి నుంచి చాలా మంచి పని చేశారు, దొంగల బెడ నుంచి మా ఊరిని తప్పించారు. వనస్పతి, ఓ వనస్పతి, అరే కహా చలీ గయి? अरे मिर्चों की बंडी लगानी है, शाम हो गई या रात को लगाएगी जब सब लोग घर चल जाएंगे तब। वनस्पति, ओफो, मर्दाना कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहती, एक कदम घर में नहीं टिकता इसका। आन दे आज। अरे क्या कर रहे हो? मान जाओ ना। वीरू, हंसू मत बाबा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे शहर कब लेके जाओगे और मौसी से बात करने कब आओगे? यार मुझे तुम्हारी मौसी से बड़ा डर लगता है। वो क्यों? क्या वो हमारी शादी के लिए मान जाएगी? तुम खुद ही जाके मौसी से बात कर लो ना। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मौसी से मिलने के लिए। ओहो, क्या कर रहे हो वीरू? अरे देखो, ऐसा फेर करोगे ना तो मैं चली जाऊंगी वापस। जाने दो ना। अप्पा, ये नरम नरम हाथ, ये सेब जैसे गाल, ये अंगूर जैसी आंखें, और ये मौसम्बी जैसे होंठ, दिल बोल रहा मिक्स फ्रूट जूस बना के पी जाऊं। चलो जी, खाली खाने पीने की बातें करते, कुछ खिलाते नहीं, कुछ पिलाते नहीं। मुझे भूख लगी है बाबा। खिलाता हूँ ना बाबा, ले आया हूँ आपके लिए, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुम दोनों शहर में क्या करते थे? शहर में हम दोनों? मैं लौंडों को, हाँ, कुश्ती सिखाता था, कुश्ती। और वो जो तुम्हारा दोस्त है जय, वो क्या करता था? जय? हाँ, वो तो मालिश करता था। मालिश? मालिश करता था। अच्छा सुनो, हाँ? मुझे भी मालिश करवानी है, क्या वो कर देगा? वो तो अभी सीख रहा है, सीख रहा है, और मैं हूँ ना तुम्हारी मालिश करने के लिए। अच्छा वैसे वो तुम्हारा लंबू दोस्त है कहाँ? होगा कहीं पड़ा हुआ। अच्छा जय तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना। अरे वीरू क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान बातों में नहीं कहीं और है। हम तो तुम पे मरते हैं मेरी जान। क्या सोनी हुई बार यार, तेरे को ये जगह मिली रही हगने के वास्ते? तेरी माँ का झट्टा मारे, तेरी माँ का झट्टा मारे, पूरी नींद। सरदार, दो आदमी थे। दो आदमी। सुनार के बच्चा।
नहीं कहोगे? फुटने खाओ फुराले को आओ, फुटने खाओ फुराले को आओ। वाह वाह, पिंडे के कबूतर पाले, आधे गोरे और आधे काले। अरे जब्बर, ये कैसी फौज को पाले? फुटने खाओ खाली फुराले को आओ। पचास पचास गज दूर गांव में जब बच्चा रोता तो अम्मा कहती, खा ले बेटा खा ले। जब्बर सिंह काले का। अरे क्या मैं बैल हूँ रे? ऐसे वैसे खाने खाने को कभी मैं तुम लोग को छोड़ के खाया रे? कभी खाया? अरे वो सामा। जी सरदार। जरा बता दो इनको के सरदार के ऊपर कितना इनाम रखा है? एक फैमिली पैक और एक सेंडी का बॉटल। सुना, इसने क्या कहा? तुम तीन हराम ज्यादा है, सरदार का नाम पूरा बैगन में मिला दिए। नाल नाल घुटने खाओ को आओ, इसकी सजा जरूर मिलेगी जरूर। जरूर। अब मैं इसको घुमाऊंगा, घुमाएंगे जरूर जरूर घुमाएंगे। छह गोली और आदमी तीन। आदमी तीन गोली छह, बहुत नाइंसाफी। अब हम इसको ठीक है, खेल का मजा अब बहुत आएगा। बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। लगता है वाइब्रेट पे है। साइलेंट पे है क्या बेटे आप? कितनी गलीज बुआरी तेरे पास है? तुम्हारे कहने आ रहे सरदार। इसने क्या कहा? आ? ये तो वाइब्रेट पे है। अरे ये बंदूक है, लेग पीस नहीं। अरे वो कालिया, तेरा क्या होगा? सरदार मैंने तो आपका नमक खाया ना सरदार। भूल गया? अरे वो सामा, ये भूल गया। बिरयानी खाया, चिकन बिरयानी खाया, मटन बिरयानी खाया, मटन मसाला खाया, बोटी कबाब खाया, शीख कबाब खाया, रोटी तक नहीं छोड़ा ना बेटे तू मेरे नज्जू। अब गोली खा ले। कमाल हो गया। अरे वो सांबा, कमाल हो गया, कमाल। ये भी बच गया, ये तीनों बच गए साले। बच गए साले। अरे अरे ये तीनों बच गए साले, ये तीनों। कमाल हो गया। अरे वो कालिया, कई को हसरा? इन्हीं गोलियां थे सरदार, गोलियां खत्म हो गए इसमें। जब्बर की एक गोली
एक निशाना, बाकी के पूरे आउट हो जाना। छर्रे खत्म हो गए। अम्मा आए थे 4 महीने की तनख्वाह लेने, फिर से आए तो तुमको डर के भागना पड़ता पत्रों के पीछे। 4 महीने की तनख्वाह देना है, अम्मा आते फिर से। अरे ये अम्मा तो गई को फिर से बीच में लाया रे, हाँ मैं भी तक खोले क्या। खैर गांव में होली कब है? होली सरदार सांबा की अम्मा आ रही। अभी नहीं आई सरदार। होला है क्या रे? कभी भी आए वक्त बोलना, उससे पहले नहीं बोलना। शुरू कर दिया एडवांस होता हॉल फिर। अरे आप, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, वैसे मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अच्छा, मगर अचानक एक चुड़ैल दिख गई, थोड़ा सा घबरा गया जी। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों? जो आपने मेरी सेवा की। अरे ये तो मेरा फर्ज था, आप हमारे मेहमान जो है। एक बात पूछो। पूछो पूछो। नहीं नहीं सुनिए सुनिए। ठाकुर साहब ने जो काम किया है इसमें बहुत खतरा है, लेकिन जब्बर सिंह बहुत हरामी है। अगर आपकी विकेट गिर गई तो? हा? विकेट? हाँ मेरा मतलब है अगर आप निकल लिए तो। इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे कई जबरों में शहर में धूल चटा दिया। ठीक है, अच्छा मैं चलूं। थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा फिर कल मिलेंगे। छोड़िए ना, देखिए कोई देख लेगा। प्लीज बाबूजी घर पर इंतजार कर रहे हैं, देखिए कोई देख लेगा तो अच्छी बात नहीं होगी। प्लीज फंसी। सरदार सांबा की अम्मा आ रही। आंधे आ गई। अरे पूरा आंधे यार, जब पर डरने वाला नहीं है। अंदर तक आ गई। अरे आंधे क्या उखाड़ती उखाड़ लेंगे, ऐसा आते ऐसा जाते, ऐसा आते ऐसा जाते। बहुत देखा जब पर ऐसे लोग आंधे। अरे सामने आई सरदार। अरे सामने आंधे या पीछे आंधे, क्या जब पर डरने वाला समझा। अरे सांबा तेरे को कितनी बार बोला रे अम्मा को नक्को बुला बोल के, अम्मा चल लेते हैं, तेरे को तकलीफ नहीं हो रही। दिन तनाना दिन। आप मजा बताने आ गए। अगर आप मेरे को बोले तो फूला बिछा देता था आपके वास्ते। कहीं को आए अम्मा? तेरा मुर्दा निकलो फटिया पे बिठा रहा सारा दिन। हाला आप जाओ, मैं पैसे भिजा देता हूँ। कब देता देता बोल, पहले पैसे अब रख, पहले पैसे हाथ में। अरे दे तो खाला, मेरे पास बहुत पैसे। अरे सामा वो पत्थर के बैंक में से पैसे निकाल। का बैंक? पत्थर का? खाली पत्रे है। तेरे से ये उम्मीद थी रे कमीने, खाली बस खाली, बैठ के ऊपर अम्मा को तकलीफ दे रहा। अम्मा आप जाओ, मैं भिजा रहा हूँ, ऐसा भिजा रहा हूँ खाली। चिट्टी आई है आई है आई है, बोलो मिले। अरे को भरोसा नहीं है खाला? पक्का उल्लू का पट्टा है। अम्मा आप बेफिक्र रहो, आपको पैसे फूलों में रख के ऐसा दे देता हूँ, उसके बाद तुम जब्बर को आके ऐसा सलाम करना। देता ना देता तनख्वाह लठ है। अरे इतने लोगों का मेंटेनेंस है, पूरे लोगों को पालने का है। G+1 के पहाड़ के ऊपर तुम्हारा बेटा खड़े हुआ रहता, एक वहाँ पे गन लेके खड़े हुआ रहता। इन लोगों को पूरों को खिलाना करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है मेरे पर, खाली आपके बेटे की जिम्मेदारी नहीं है। सांबा पैसे लेके आ जा घर को, मैं जा रही हूँ। कल नहीं भिजाया तो है तेरी शामत। जाओ जी अम्मा जाओ, भिजा रहा हूँ। डंडा नको बताओ, वो डर होता मेरे को, खास तौर पे औरतों से डर होता बाबा। तेरे को बोला ना रे, अरे कर निकल निकल। खाला इतनी फौज रह के भी जब्बर औरतों से डरता रहे, तेरे को नहीं मालूम। खाला का डंडा मैं हुआ ठंडा। खाला आप जाओ, मैं भी जा। तेरे बेटे को फटिया पे बिठा के फोड़े हो गए। सांबा घर को आ जा जल्दी। जाओ माँ जाओ, ये तो लेकर आता हूँ। अरे जय ये कहाँ आ गए अपन, ये तो बहुत खतरनाक जंगल दिख रहा। होमिया शैताना तो शैताना, यहाँ तक के शेरा भी रहते कहते। अरे भाई रहते होंगे, अब कई कुमार मेरे को।
अरे मियाँ वहाँ तक झाड़ हिल रहा है। अरे भाई नहीं भाई मेरे को डर हो रहा। ठहर मियाँ ठहर, पत्थर से मारे ठहर। अम्मा मर गया। अरे अरे ये तो बैठने भी नहीं देते क्या रे? अरे अरे जंगल में भी बैठने नहीं देते क्या रे? इस जब्बर को मारने आए थे, बुलाओ उसको। जरा पीछे देख। और मेरे नहीं, मेरे पीछे देख। हंसले जब्बर हंसले, खूब हंसले। इसके बाद तू हंसने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि ये हंसी तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। कौन मारेगा मुझे? कौन? तू? तू मारेगा मुझे। तरबूज वहां जाएंगे, खरबूज वहां जाएंगे। तरबूज आया? शिट, तरबूज आया। कैसे करेंगे? चल चल। तो पहले मरने के लिए बोलो, पहले कौन तैयार है, तू या तेरा दोस्त? जब्बर सिंह, तुझे कुत्ते और खरगोश में फर्क नहीं मालूम होता। ठाकुर, तुम इन दोनों को बहुत समझदार समझते हो ना, बहुत बहादुर समझते हो ना? ये दोनों मेरे इन पैरों पर आके नाक लगड़ लगड़ कर मुझसे अगर माफी मांगे तो मैं माफ कर दूंगा। जबर भाई हमको माफ कर दो, बेफजूल के हम ये ठाकुर के बातों में आके हम आपसे खुजा लिए, हमारे को मरना नहीं है। जय, ये तू क्या बोल रहा? अरे चुप बैठ बे साले, जान है तो जहां है, अब तक मेरी शादी नहीं हुई और मेरे को मरना नहीं है। ये पैर, इसकी नाक, जल्दी। जय, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम एक नंबर के फट्टू निकले। जबर भाई, जय। अरे अरे कालिया सांबा, कहाँ है रे तुम लोग? जब्बर को अकेला छोड़ के ये ले साले। ओबा अरे उधर साले, मैं अकेला हूँ बोल के मेरे पीछे पड़ा। इधर से मान लेंगे कट। मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई। माफ कर दूं? हाँ, राधा को खींच के लेके जा रहा था, माफ कर दूं? मेरे से गलती हुई। कहाँ लेके जा रहा था रे तू राधा को? जब्बर के पास। जब्बर के पास? अब तेरा क्या करना? छोड़ दे, तुम्हें चले आता। छोड़ देना? हाँ हाँ। 150 उठ बैठ मार। हाँ, 150? तनख्वाह नहीं मिली, जब्बर नहीं दिए। एक काम कर, बहुत परेशान हूँ मैं, कमर दर्द हो जाती, 150 नहीं होते मेरे से। जान दे, 5 मार। अम्मा 5? एक मार। एक? चल शुरू हो जा। एक। अब कहीं कुतन रहा है? पीछे पलट के देख, पीछे पीछे। अबे
पाँच एक डेढ़ सौ रुपए तुम दोनों इसकी धुलाई करके कपड़े निकालो और इसे जब्बर के पास लेकर आओ। मैं चला। चल नीचे रख बंदूक। रख रहा हूँ भाई। मजबूत पिल्लर समझते थे लेकिन उतने ही चिल्लर निकले आप। ठाकुर साहब आपके सामने पड़ी हुई लकड़ी उठा के नहीं दे सके हमारे को। तुम बुजदिल हो, डरपोक हो। क्या तुम लोग इसकी वजह जानना नहीं चाहोगे? क्या वजह हो सकती है ठाकुर साहब? एक बार का वाकया है, आरमगढ़ में मेरे और जब्बर सिंह के बीच में कुश्ती का मुकाबला हुआ था। सुनो सुनो गाँव वालो, आरमगढ़ में हर साल कुश्ती का मुकाबला हुआ करता था और हर साल जब्बर सिंह ही जीतता था, और हर साल की तरह उस साल भी कुश्ती का मुकाबला रखा गया और मैंने उसे 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मुकाबला है जब्बर और रैम्बो के बीच। अब खेल शुरू हो रहा है। जब्बर आगे बढ़े, ये देखिए कि आप प्यारा अंदाज से लड़ रहे हैं। जब्बर पकड़ने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए। मैं लड़ूंगा, मैं क्या बात है, मैं लड़ूंगा के लिए आगे। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, मैं लड़ूंगा। तू इस चप्पल से लड़ेगा? लड़ेगा, आजा। जब्बर सिंह, ये हाथ नहीं फौलाद है, फौलाद। आज तक इन हाथों से कोई बचकर नहीं गया। याद रखूंगा ठाकुर, याद रखूंगा। जब तक मेरे में जान है ठाकुर, मैं तब तक तुम्हें याद रखूंगा। इसको बदला तो जब्बर जरूर लेगा। ठाकुर आओ, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। ठाकुर आज बहुत मजा आएगा। अरे वो कालिया, छोड़ दे साले को। जब्बर तू क्या चाहता है मुझसे? यहाँ तक लाने का मतलब? ठाकुर उस दिन गांव में तूने सारे गांव वालों के सामने मुझे हरा कर मेरी बेइज्जती किया। तब से लेके आज तक मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़पते रहा, तड़पते रहा, तड़पते रहा।
बदला पूरा लेकर रहूंगा। इन्हीं हाथों से मुझको हरा जाना ठाकुर। बहुत ताकत है तेरी इन हाथों में, बहुत बहुत ताकत है। टिंग टोंग टिंग। बहुत ताकत है ना इन हाथों में। तू जानता है कि ये हाथ किन किन चीजों में काम आते हैं? एक, जंगल में लोटा ले जाने के लिए। दूसरा, एस्केलेटर होने के लिए। तीसरा, तू जानता है, और किसी चीज को छूने के लिए ये हाथ काम में आते हैं। मगर आज छोटे बच्चे को धुलाने के लिए ये हाथ काम में आते हैं। और तू जानता है कि आज ये जब्बर तेरे हाथ लेकर रहेगा। तूने सुना मैंने क्या कहा? तूने सुना? हाँ सुना जब्बर। जब तू जानता है ये दो हाथ किस लिए काम आते हैं, कम से कम एक तो छोड़ देना। गालियों मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कुछ तो भी ड्रामा लेके आया होगा। मैं तेरे को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, आ रहा हूँ ठहर। ये अब क्या नाटक है रे, अब क्या नखरे है रे तेरे। जय, एक जरूरी बात करना है। हाँ बोल। जय, तू मेरा एटीएम है। तू मेरा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सुबह सुबह धूल पेट की पैकेट तो नहीं चाहिए? जय, मैं शादी करना चाह रहा हूँ। तो कर लेना। जय, सोच, मेरी शादी होगी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तेरे होंगे। मेरी एक खूबसूरत बीवी होगी, वो भी तेरी होगी। एक खूबसूरत घर होगा, वो भी तेरा होगा। जय, सोच, जब मेरे बच्चे तेरे साथ चाचा चाचा बोल के जॉन सीना की फाइट खेलेंगे और तू उनकी शादी भी कराएगा। इसका मतलब है तेरे को एक काम वाले की जरूरत है। तू शादी कर लेगा, मैं कुमारा बैठूंगा। ये मेरे से नहीं हो सकता। अच्छा, तो मेरे को समझ में आया, तू मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। तू मेरी शादी से कभी खुश नहीं हो सकता। तू ठीक है, किससे बात करना है? तू बसंती को जाके ऐसा मेरे बारे में उसको पट्टी पड़ा कि वो भागती हुई मेरी बाहों में आ जाए। ठीक है, बात करो। अरे नौटंकी। अरे जय, तुम यहाँ? हाँ वनस्पति। सब ठीक तो है ना? कैसे आना हुआ? वही तो ठीक नहीं है वनस्पति, तुम्हारे से कुछ बात करनी है। मतलब बात करनी है? अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जी, क्या बता रहे थे? बताओ क्या बात बतानी थी। वाइट के बात करते हैं। हाँ। मेरा दोस्त वीरू है ना? हाँ, उसके बारे में कुछ बात करनी है। वीरू के बारे में? हाँ। तो बताइए ना। हाँ, मेरा दोस्त वीरू तुम्हारे को बहुत चाहता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये बताओ, तुम रोज मिर्चियाँ बेच के मंडी पे कितने कमाती हो?
मिर्चियाँ बेच कर मैं रोज का 800,000 रुपए तो कमा ही लेती हूँ। अरे रे 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 रे। उसका रोज का खर्चा 2 से 2,500 रुपए। रोज का 2-2,500 रुपए? ऐसा क्या खर्चा है उसका? वो कभी कभी शराब पी लेता है। क्या वो शराब पीता है? शराब तो राजा महाराजाएं पीते थे, वो लोग स्कॉच पीते थे। और मेरा दोस्त वीरू पाकिट भी पी लेता, कभी कभी सेंधी का मुंता भी उठा लेता वो। अच्छा एक बात बताओ, जब वो शराब पीता है तो जुआ भी खेलता होगा? खेलता मगर 5 रुपये 10 रुपये का जुआ खेलता। पैसे नहीं है तो बेचारा अपने कपड़े चड्डियां बेच लेके जाके खेल लेता। बहुत शरीफ है। जब कोई गलत आदत पड़ जाती है तो पहले के लोग अपनी बीवियों को भी बेच दिए, घर भी बेच दिए, पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दिए। अच्छा एक बात बताओ, वो करता क्या है? अरे मैं तो बताना ही भूल गया, वो कभी कभी बस स्टैंड के पास ब्लेड लेके मारता। अगर से वो काम नहीं हुआ तो कभी मंदिर के पास, कभी मस्जिद के पास, अम्मा दे बोलता। अच्छा तो तुम्हारा दोस्त भिखारी और फकीर भी है क्या? ये मैं कब बोला? अच्छे अच्छे लोग नौकरी करके कमाते, उसी तरह इसकी भी ये नौकरी है। मेहनत करता है बेचारा, फिर भी मैं कोई चीज छुपाना नहीं चाहता। भाई कल के दिन तुम ये नहीं बोलना कि तुम वो छुपाए ये छुपाए, इसलिए हर चीज का मैं खुलासा करने के लिए। कमीने तू मुझे चाहता है? अरे अरे मैं कुत्ता, हाँ हाँ मैं कुत्ता, मैं कमीना, तेरे प्यार में सब कुछ हूँ। ये वादियों से पूछ, ये आसमान से पूछ, ये गवाही देगा कि जब्बर तुझे कितना चाहता है। अरे वाह शामा जी सरदार, ये मेरी वनस्पति, तू इसका हाथ मोड़ा। नहीं, हमारी तो शराफत है जो वसंती को यहाँ लेकर आए। अम्मा तो कह रहे थे कि घर को लेकर आ जाओ, अगर घर लेके चले जाता तो तुम सर फोड़ फोड़ कर इन पत्थरों से पागल हो जाते। 4 महीने की तनख्वाह नहीं देके बड़े बड़े बातें हो रही सरदार। सरदार कुछ दिनों से आपको मैं देख रहा हूँ, बहुत ही उदासी छा गई आप पर, आखिर राज क्या है? अरे वो सांबा, उस दिन मेले में मैंने उस परी को देखा। परी? कौन परी? अबे वनस्पति बे। ओ समझ गया सरदार, समझ गया, वो मौसी, मौसी की वनस्पति। मेरी वनस्पति ने रे? जी जी वनस्पति जी, वनस्पति जी जी, उन्हें मेरे दिल पे छा गए। सुना कालिया, उन्हें मेरे दिल पे छा गए। ये फुकट के लोगों को ले गया और मेरी वनस्पति को मेरे पास उठा के ले गया। अरे सरदार डाका डाल रहे, शादी कर रहे, शादी के लिए पयाम ले जाना पड़ता, वो पयाम मैं ले जाके बात करके आता हूँ मौसी से। ये पयाम क्या है रे? अजी शादी से पहले शरीफ लोग जाके लड़की के घर पे रिश्ता मांगते। जा सांबा कुछ भी कर, मेरी वनस्पति मेरे पास ले। अच्छा जा। चलो रे चलो। रात कली एक ख्वाब में आई। सरदार अम्मा याद कर रहे थे। अरे तेरे को इतने अच्छे मौके में अम्मा कहीं को याद आ रही रे? जा रे जा, अम्मा का नाम नकल ले जा। इसकी अम्मा से मेरी नींद हराम हो गई। गांव वालों वीरू नीचे उतरो। ये जो ये वीरू क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। साली बुड्ढी, मेरी मोहब्बत में दीवार खड़ी कर दी। तू नीचे आ जा। मैं वनस्पति से प्यार करता हूँ, प्यार। वीरू नीचे आओ, मैं बात करती हूँ मौसी से। मैं यहाँ से जान दे दूंगा जय। अरे जय ये देखो वीरू को क्या कर रहा है।
साला हमेशा ऐसे ही नौटंकी कर, पहले पहाड़ा चढ़ता था, अब पानी की टांकी पे चढ़ गया। मैं 10 किलो का 10 वनस्पति, तुम मेरी हो। नहीं नहीं, उसको बुलाओ ना। वनस्पति तुम टेंशन मत लो, इन हमेशा नाटक करते रहता, इन कूदने वाला नहीं है, इन ड्रामा कर रहा, समझे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब तुम ही संभालो। वनस्पति मैं 3 गिनूंगा 3, उसके बाद कूद जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। अरे यार वीरो, आ जा नीचे, आ जा। वनस्पति आई लव यू। वीरो नीचे आओ। और इसीलिए मैं ऊपर से कूदिंग कूदिंग। अरे तमाशा मत कर, नीचे आ जा फौरन। मैं खुद जाऊंगा गांव वालों। मैं 5 गिन रहा हूँ, 5 के अंदर नहीं उतरा मैं वनस्पति। 1 मेरे भाई। 2 जय जी आ रहा हूँ। 3 जय जी। 4 आ रहा हूँ जय जी। 5 जय फिर मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मेरे भाई, पहले फेंक दिया। जय धैर्य धैर्य मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। जय धैर्य जा, जय धैर्य जा, मैं आ रहा हूँ। जय मेरे दोस्त रुक जा, जय। हेलो मौसी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हु आर यू? मैं सांबा हूँ। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं। मौसी मैं ये पहाड़ के पीछे के गांव में रहता हूँ और मैं अपने मालिक के लिए आपकी दुख्तर का हाथ मांगने आया हूँ। दुख्तर? दुख्तर कौन रहे वो दुख्तर? यहाँ कोई दुख्तर उख्तर नहीं रहती। बेटा मेरे को ऐसा दिख रहा तू गलत पते पे आ गया। अरे मौसी आप समझे नहीं, मैं तो आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ। आई यू जाड़ सूरत, बेटी बोले तो नहीं समझती मैं। काई को ऐसा घुमा फिरा को बात कर रहा? ये पुट्टी भी देखो, पढ़ के सीधा घर को आओ बोले तो कहाँ फिरते रहती कि क्या है की? खैर उसकी बात छोड़, तू मतलब की बात कर। अरे मौसी जब से मालिक ने वनस्पति को देखा है एक ही रट लगाए बैठे हैं। अच्छा, शादी करूंगा तो सिर्फ वनस्पति से, नहीं तो सारी जिंदगी कंवारा रह जाऊंगा। क्या तो भी काम करता तुम्हारा मालिक? अब काम का क्या है मौसी, जिस गली जिस रोड गांव से गुजरते हैं किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती आँख मिलाकर भी बात कर सके। अच्छा। मगर बड़े बड़े पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन रहते हैं। पकड़ने को? आई वो कहीं को? अरे मौसी कंबख्त डाकू की जिंदगी कुछ ऐसी होती है, घर में दुश्मन का खतरा, बाहर पुलिस का। आई अच्छा बोला रे बा, मैं अपनी बेटी की शादी एक डाकू से। अरे मौसी डाकू होना बड़े सौभाग्य की बात है। काईकू? किसी महापुरुष ने कहा है कि डाकू चोर बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो बड़े किस्मत की बात है। काईकू बोले तो इंजीनियर मिल जाते, डॉक्टर मिल जाते, वकील मिल जाते। अच्छा। अगर डाकू नहीं मिलते, काईकू बोले तो डाकू होना एक आर्ट है, एक कला है। हाँ आप तो बड़े किस्मत वाले हैं, ऊपर वाले का करम है जो आपका होने वाला दामाद एक डाकू है। तुम्हारे को तो खुश होना चाहिए, तुम जिस गली से गुजरेंगे लोग तुम्हें देखकर थूकेंगे, तालियां देंगे और कहेंगे देखो कैसे डाकू की साथ जा रही है। तुम्हारा कितना नाम होगा? अरे झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके। आई अच्छा बोला रे भा, लोग मेरे को देख के थूके, मेरे को गालियाँ दी और तू बोल रहा मेरा नाम होता कहते नाम होता। जरा ये तो बता तेरा मालिक कमाता कितना? अब कमाने का क्या है मौसी, डाका बड़ा हाथ लग गया तो बहुत माल मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर तुम फिकर मत करो, तुम्हारी बेटी ऐश करेगी। वो तो दिख रहा है मेरे को। अच्छा रे सुखे खजूर, पहले तुम ये बता मेरे को तेरा मालिक रहता कहाँ, कुछ घर ठिकाना है उसका? ऐसा है मौसी, घर का क्या, यूं समझो गुमनाम जमीन पर नाजायज कब्जा है। मेरा मतलब जहाँ डेरा डाला वहीं घर बस गया। आप परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी पूरे गांव पर राज करेगी, राज। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक बोला रे। अब तू जरा अपने मालिक का नाम तो बता दे। मौसी, वैसे तो उनका पूरा नाम तो नहीं मालूम है, मगर कुत्ते, कमीने, चोर और डाकुओं की दुनिया में उनको जब्बर सिंह बोलते हैं। जब्बर सिंह? क्या जब्बर सिंह? जब्बर सिंह का आदमी है? मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया? तेरा मुर्दा जाओ कमीने, तेरे को खैदस लगो, बुड्ढे बोकुड़ की सूरत। मेरी बेटी का रिश्ता पूछा डाकू के वास्ते? अरे मैं सगी मौसी हूँ, मौसी कोई सौतेली माँ नहीं जो अपनी बेटी का हाथ जालिम डाकू के हाथ में दे, समझा रहे तू? मौसी क्या है, जब्बर से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। अरे ओ छोटे में आम की घुटनी की सूरत, अगर ये गली में नजर आया तो तेरे को तेरे वो जब्बर सिंह को जाकर चूतिया का मसल दूंगी मैं, समझा? चल आइंदा इधर नजर आना बेटा, चूल्हे पे बिठा के सांबा से सांबर नहीं बना दी तो देख लेना। बेटी का हाथ कटे, मेरी बेटी का हाथ डाकू काका की। आ गया सरदार वनस्पति को ला लिया। आगे सरदार आ गई, वनस्पति आ गई। सुना कालिया, बुला, देर किस बात की है सांबा? अभी बुलाया। हाथ छोड़ ले उसका। हाँ छोड़ दिया ना सरदार। मेरी वनस्पति ने रे, वनस्पति जी बोल। क्या बोला? वनस्पति जी। मेरी 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 वनस्पति, कमाल कर दिया सामा तूने। अरे वनस्पति और मेरे पास हाथ, इसके कितने कोमल जैसे है ना। हाँ सांबा, इसके हाथ ऐसे कहीं क्यों है? वनस्पति को काम ज्यादा है, बर्तन धोना, कपड़े धोना। अच्छा अच्छा, ज्यादा मेहनत करती होगी। मगर वनस्पति, तुम सरदार के पास आ गई ना, अब कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या कालिया? हाँ सरदार, पहली मर्तबा है ना। मैं भी पहली मर्तबा। अच्छा मियां वीरू। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ मैं शादी कर। तू शादी कर रहा तू? आइए बैठिए जी, फरमाइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मेरी भी एक बीवी हो। आबा 50-60 पुट्टे हो। आबा 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 आबा, वो पुट्टे पूरे तेरे पे खूब। हाँ चाचा चाचा बोलना। अच्छा हाँ, और मेरा डायलॉग मेरे कुछ मार रहा? नहीं मियाँ। हाँ सीरियस बोल रहा हूँ मैं। मियाँ तेरे को मालूम, शादी करने के लिए कम से कम एक खूबसूरत लड़की की जरूरत होती। वो मैं ढूंढ लिया। हाँ ढूंढ भी लिए? हाँ। कौन है वो खुशनसीब? मेरी राधा। राधा, वो ठाकुर वाली राधा? हाँ। अबे यार मरवाएगा क्या? कैसा है रे मेरी शादी का आइडिया? अरे तेरी शादी क्या है कि रे भाई तेरा, मेरी तो तू फड़ा देना चाह रहा वैसा दिख रहा मेरे को। कल तेरे को क्या हुआ था वो भी याद नहीं होगा? हाँ मालूम है, कल मैं जो है वनस्पति से मिला था, आज सुबह मिलने का वादा किया था आज। अरे वनस्पति यार मैं चलता हूँ। तेरी माँ का जट्टा मारे। वनस्पति, अरे ओ वनस्पति, अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह? ना जाने सुबह सुबह मिर्चियों का बहाना करके। अरे मौसी मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे ओ वनस्पति, प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं ना आज आपसे बहुत दिनों बाद कुछ मांगने वाली हूँ, और शायद मैंने पहले भी कभी कुछ नहीं मांगा है आपसे। अगर तो इस बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ तो आपको मेरी मुराद जरूर पूरी करनी पड़ेगी। प्रभु मैं ना शादी करना चाहती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। तो प्रभु आपने तो शादी की नहीं, अब मेरे लिए तो अच्छा वर ढूंढिए ना। और पता है आपको, जो मेरी मौसी है ना वो भी मेरी मदद नहीं करती, ना कोई अच्छा लड़का देखती है। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, तो प्रभु प्लीज मेरे लिए कोई अच्छा वर ढूंढिए ना। कन्या। हाँ? अरे ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु आप धन्य हो, प्रभु धन्य हो, हम तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुए। अच्छा प्रभु, साला परमेश्वर का, तुम्हारे लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। साला नौटंकी।
अच्छा प्रभु बताइए ना, नाम क्या है उसका? वही जो तुम्हारे आसपास फिरता रहता है, घूमते रहता है छतरी की तरह। क्या नाम है उसका प्रभु? लड़की, वो है वीरू। वीरू, वो आवारा लफंगा जो मेरे आगे पीछे बंदरों की तरह घूमता है। जब देखो जब कुछ ना कुछ करता है। आज तेरा फूल खोल ही देता हूँ बेटे। लड़की, तुम हमें आखिरी किराग बना रही हो। अरे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरा मतलब वो नहीं था। अब आपने ढूंढा है वर मेरे लिए तो अच्छा ही देखा होगा। पर प्रभु, वो वीरू ही क्यों ढूंढा आपने? खबरदार लड़की, वो दुनिया का काबिल तरीन आदमी है। वो अंतर्यामी है, वो 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, और वो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान से अच्छा है। IBP, BPL, PPC, VPP, ये सारे कोर्स करा हुआ है लड़की। तुम जवाब क्यों नहीं देती? कहीं मेरी आवाज सुन के बेहोश तो नहीं हो गई? Freaky Deaky, you what? Wow! कैसी हो वनस्पति? जय, ये तूने अच्छा नहीं किया जय। देख लूंगा जय, तुझे देख लूंगा। तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वीरू को तो ऐसा झटका होना ही था। अच्छा किया वैसे तुमने। अब एक बार ऐसा किया ना तो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। वैसे भी वो अच्छा लड़का है। ये देखो, तुम जितना भरोसा करती थी ना, क्या कर रहा है जय? जय, जय, ये तुम बोले? नहीं, फिर जय। राधा, ये है वो जय, ये धोखेबाज। मुझसे भी धोखा करता है और तुमसे भी धोखा करता है। तो ये काम कर रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं तो मजाक कर रहा। मजाक? तुम इतने धोखेबाज निकलोगे? नहीं समझी थी मैं। वीरू, वीरू को क्या देख रहे हो? मुझसे बात करो। तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मुझे मालूम नहीं था जय। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे से, नफरत। जय, मैं तुमको ऐसा नहीं समझी थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरे अरमानों से खेल चुके हो तुम। तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमको इतना धोखेबाज नहीं समझी थी जय। जिंदगी में बहुत धोखेबाज निकले हो तुम। राधा, राधा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी हो जाएगी आधा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता राधा। अरे सुनो तो सही। अरे राधा, वनस्पति, तुम इतनी धोखेबाज निकलोगी मैं नहीं सोचा था। तुम झूठी हो, मक्कार हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम जानते नहीं इसकी कुछ वजह होती है। क्या वजह हो सकती है ठाकुर साहब? क्योंकि मेरा नौकर 4-5 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं ठाकुर साहब। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे पैसे? रामू काका को मैंने 150 रुपए दिया करता था, लेकिन तुम्हें 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए? ठाकुर साहब, ये 200, ये 200 के 10 सब आप रख लो, हमको नहीं चाहिए। 200 रुपए कम है तो तुम्हें 10 रुपए और बढ़ा दूं। 10 रुपए में क्या आएगा ठाकुर? 10 रुपए में तो बाबा चीता नहीं आता। आपका घर का काम नहीं कर सकते ठाकुर साहब। ये बर्तन और तना धोना हमारे से नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, हम गब्बर को पकड़ने आए, गब्बर कुछ पकड़ेंगे। चल वीरो, जरा मेरी पीठ खुजा कर। अरे ठाकुर, अरे आप बर्तन मांज रहे हैं आप? हाँ जी। मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं नहीं, मैं धो लूंगी। मैं कभी कभी घर में धो लेता हूँ, यानी बर्तन। अच्छा, आप बोले तो मैं धो देता हूँ। नहीं, मैं धो लूंगी। नहीं नहीं, तकलीफ मत करिए आप। घर का काम है, करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल, वो तो है। मैं बर्तन ऐसा मांजता हूँ, आप उसमें देख के खाली ऐसा मेकअप करना, वैसा मांजता हूँ। सुबह नहीं निकाल देते घर से।
अच्छा ठीक है, आइए उधर क्या हो रहा देखिए ठाकुर साहब। देखिए कैसा मांझ रहा हूँ। इधर लाइए, इधर लाइए, मैं मांझ रहा हूँ। मैं ऐसा मांझता हूँ आप इसमें देख के कंगी करना। उधर देखो। क्या अच्छा है। देखिए मैं क्या बोला था, ये भी धोना था। उधर क्या हो रहा देखो, क्या ये भी धोना क्या। ये सब क्या हो रहा है। सेम ठाकुर साहब की ऐसी आवाज सुनाई दे रही नहीं। ये सब क्या हो रहा है। ठाकुर साहब मैं बर्तन मांझ रहा हूँ। बर्तन मांझ रहे थे या जिस्म को मांझ रहे थे। कुछ नहीं साहब, हो गया हो गया। नहीं वो हाथ है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं जब्बर को पकड़ने के लिए बुलाया था या बर्तन मांझने के लिए बुलाया था। बर्तन मांझने के लिए नहीं ठाकुर साहब, गब्बर को पकड़ने के लिए। देखे ठाकुर साहब। ठीक है तुम अंदर जाओ। जी। रामू काका। वीरू 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 वीरू। कौन वनस्पति। अरे ठाकुर साहब आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ वनस्पति कैसे आना हुआ। अरे ठाकुर साहब वीरू है क्या। वीरू तो बहुत देर से नजर नहीं आ रहा। अच्छा रामू काका है। रामू काका मार्केट गए हैं सब्जी लाने के लिए। ओ और जय। जय भी नजर नहीं आया। तो फिर ठीक है ठाकुर साहब मैं चलती हूँ, मैं फिर आती हूँ। ठहरो वनस्पति, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए ना। दरवाजा बंद। वो क्यों ठाकुर साहब। वनस्पति मैंने कहा दरवाजा बंद करो। अच्छा ठीक है लगाती हूँ। जी ठाकुर साहब बोलिए। कपड़े उतारो। नहीं ठाकुर साहब। कपड़े उतारो। नहीं ठाकुर साहब ये गलत है। वनस्पति मैंने कहा कपड़े उतारो। नहीं ठाकुर साहब नहीं। वनस्पति मैंने कहा तुम्हें कपड़े उतारो। ठाकुर साहब ये गलत है। वनस्पति मैंने कहा तुम्हें कपड़े उतारो। वनस्पति मैंने तुम्हारे नहीं मेरे कहा है। वो क्यों ठाकुर साहब। इसलिए कि मुझे नहाने जाना है। वैसे ठाकुर साहब ने जय वीरू को बुला के बहुत ही अच्छा काम किया है, क्यों तुम्हें क्या लगता है। हाँ सही है। वैसे जय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जय तुम्हें कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पता है मुझे क्या लगता है, जय ना तुमको पसंद करता है। अच्छा तुम क्या कहती हो। वीरू भी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वीरू भी ठीक है, बट कभी कभी उसकी कुछ हरकतें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। वो दोनों गांव में आने की वजह से गांव में खुशियाँ आए हैं। राधा मैं क्या सोच रही हूँ कि वीरू से शादी करके मैं शहर चली जाऊँ। ठीक है। वाह तूने तो कमाल कर दिया। आज एक ही बार दोनों को पकड़ के ला लिया। वाह छोड़ दे सरदार, बहुत खुश हुआ। छोड़ दे कमीने। वाह मेरी चमेली। चल चुप कर कमीने। छोड़ दे मेरे जान के टुकड़े। थू कमीने हमको छोड़ दे। सरदार बहुत खुश हुआ। सामा मांगा तू क्या मांगता है मांग। सरदार एक बात पूछूं। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बोल। सरदार अम्मा याद कर रही। अम्मा Yeah.
राजा साहब क्या करेंगे? चलो चलो। अरे अरे झकड़ रहे कहीं बार रुचिता, चलो। छोड़ दे। बहुत अच्छा लग रहा है। छोड़ उस सालों को। जय तुम। राधा तुम। वनस्पति। वीरू तुम। बहुत प्यारा लगता है। बांधो उस सालों को। जब्बर, मैं तेरा खून जल्दी। वीरू, मत मारो प्लीज वीरू को। छोड़ दो। अब आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। जब्बर, इन लोगों को छोड़ दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जब्बर, वनस्पति और राधा को छोड़ दे वरना। बाबूजी। अरे वो सांबा, ये लाल छड़ी कौन है? सरदार, ये ठाकुर की बहू है, बिचारी बेवा। जब्बर, हरामजादे, खबरदार तूने राधा और वनस्पति पे बुरी नजर डाली तो। ए ठाकुर, जब्बर ने आज तक किसी पे बुरी नजर नहीं डाली, जब भी डाली तो बुरी नजर डाली। ठाकुर, आज तेरा खेल खत्म। सरदार, ये लोग तुम्हें मार के वनस्पति और राधा को ले जाने आए हैं। राधा, बहुत अच्छा नाम है। ठाकुर के बाग में ये कश्मीर का सेब, सांबा और हमारी अब तक नजर नहीं पड़ी। सुना सुना तुम लोगों ने टीवी के साथ रिमोट फ्री मिलता था, मगर आज अंगूर के साथ ये सेब, बहुत मजा आ रहा है मेरी चम्मक चलो। बहुत नाजुकी है तेरी बदन में। तुम्हारी नजरों का भी क्या अंदाज है, कम वक्त दिल को तीर मार जाती है। जब तक तुझको देखता हूँ तो मेरी जान चली जाती है, मेरी जान। अरे जब्बर, जान से मार डालूंगा, छोड़ वनस्पति को। बहुत यारा लगता है साला, एक इधर दूसरा उधर। अरे वो सांबा, ला उसको इधर। छोड़ दे। बहुत मजा आ रहा है साला, बहुत मजा आ रहा है। सांबा, ये ले बंदूक, लगा साले पे। ए तू भी लगा। तुम तो कलिया नाचेंगे, जब्बर मजा लेगा। चलो नाचो। हाँ? तेरी तो साले सांबा। अबा क्या हुआ? अरे दीवाने सांबा, ये शीशा कहीं को फोड़ा? अरे इससे तो अपना कारोबार चलने वाला है ना रे साले। तुम लोगों की तनख्वाह देना पड़ता। अरे खाली बोतल बेचे तो अपना कारोबार चलता ना रे, और उस कुछ शीशा फोड़ दिया ना जी ने। चलाओ ये दोनों को, बांधो, उड़ा दे सालों को। ठहरो। अरे कौन सी? जब्बर, तूने ठीक नहीं किया वनस्पति और राधा को पकड़कर। अगर तू वनस्पति से सच्ची मोहब्बत करता है तो दोनों में मुकाबला होगा, और मेरा वादा है अगर तू जीता तो वनस्पति तेरी होगी। कौन सा मुकाबला? क्रिकेट का। क्रिकेट का? हाँ हाँ, क्रिकेट का। और मेरा वादा है अगर तू जीता तो वनस्पति तेरी होगी। मौसी, छोड़ रहे हैं खजूर। मौसी, पीछे हट। चलो बच्चियों, जब्बर याद रख मुकाबला, दम है तो जीत ले और ले जा वनस्पति को। ठीक है मौसी। हम क्या यहाँ मिर्चियाँ तलना? जब्बर, अरे जल्दी कर, छोड़ दो रे, शादी का मामला है मेरी, छोड़ दो। सरदार, क्यों मायूस बैठे हुए सरदार? मौसी ने तो कहा क्रिकेट खेलने के लिए। अरे वो कालिया, मौसी ने तो कहा
क्रिकेट खेलने के लिए, मगर सांबा ये क्रिकेट चीज क्या है रे? सरदार मेरे को क्रिकेट खेलना आता ना सरदार। सुना तुम लोगों ने सांबा को क्रिकेट आता? जरा बता तो सही कि वो क्रिकेट क्या चीज है रे? सिखाने से पहले वो अम्मा बोल रहे थे वो तनखा के वास्ते। ये अम्मा को कहीं को बीच में ला रहा रे, ऐसे मौके पे अम्मा कहीं को याद आ रही रे। चलो सरदार सिखा तो चलो 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 चलो। अरे क्या रे सांबा, ये घना लाके यहाँ कहीं को लगाया? सरदार विकटा बोलते विकटा। अच्छा इसको विकेटा बोलते और इसको बैट बोलते बैट। अरे इसको बंदूक बोलते ना रे। और इसको बैट बोलते सरदार। सुनो मेरी बात, इसमें 11-11 आदमी रहते। 11 आदमी वो क्यों? देखो मौसी बोली ना तो उनके 11 रहते अपने 11 रहते। उनके 11 और हमारे 11। हाँ बहुत मजा आएगा। करना क्या रे? कुछ नहीं सरदार, पत्थर लेना मारना। मैं मारता हूँ। उताइज अब भी मारता हूँ। अरे वो खा लिया, जरा दे दो पत्थर। लो सरदार। अब्बास सरदार क्या हुआ रे? मारो बोला ना। अरे मारो मेरे को बोला सरदार। अरे इसको विक्टों को मारो बोला सरदार। तो फिर डालो बोल। डालो। हाँ क्या सरदार? गोला लग जाने के बाद में रनिंग बोलते, रन लेना बोलते, ऐसा भागना पड़ता। अरे इसमें भागना भी है? हाँ। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा सांबा, जरा पूरा सिखा मेरे को। अरे सरदार पूरा सिखाता हूँ, बेफिक्र रहिए, चलिए मेरे साथ। अरे यार वीरू। हाँ जी। कल अपना क्रिकेट मैच है। हाँ है। जब्बर सिंह से। और एक आदमी की कमी पड़ रही है हमारे टीम में, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। खेल जब्बर के साथ है, बच्चों के साथ नहीं है। अब तू ही कोई हल निकाल यार वीरू। खैर अब भी दिमाग लड़ाता हूँ, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। जय तू टेंशन मत ले, जो भी होगा देखा जाएगा। यार वीरू हाँ, क्रिकेट के लिए एक आदमी कम पड़ा। एक आदमी क्या कर रहा है? अरे यार ये तो चीनी पहलवान कैसी आवाज आ रही? अरे चीनी पहलवान यहाँ कहीं को आता मियाँ? वो भी सही है। तुम लोग मेरे को गली गली करके तुम लोग यहाँ आरमगढ़ में बसे हुए हैं। माफ कर दो पहलवान। तुम लोगों के बारे में मैं बहुत सुना, तुम लोग अच्छा काम करने के लिए जा रहे। अब यहाँ से तुम्हारी मदद मैं करता हूँ। अब तुम्हारी टीम में मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। शुक्रिया पहलवान। ये खेला नको, अब एक नया मामला दिख रहा। नहीं नहीं चलो चलते हैं। चलो ठाकुर साहब क्या चाहिए तुम्हें? पहले उनसे पूछो। पहले उनसे पूछो। नहीं नहीं उनसे पूछो। एम्पर साहब आप उनसे पूछो। नहीं आप उनसे पूछो। मैं बोल रहा हूँ आप उनसे पूछो। ठीक है ठीक है, लगता है मेरे ख्याल से पहले टेली ही लेना चाहिए। ठाकुर साहब पहली मरतबा सही गेम खेले। सरदार इसमें कुछ चाल दिख रही है टेल में, अपन लेंगे टेल। ऐसा होता? ठीक है हम टेल ले रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है नहीं टेल दे दो हम हेड ले। आप टेल ले रहे हैं? अब क्या क्रिकेट बैगन खेलते हैं सरदार? चलो रे आ जाओ। साहब अपन 281 बनाए, गब्बर कितने बनाता? अच्छा तो तुमने बैट पर भी लिख लिया? हाँ ठाकुर तुम सब हारने के लिए तैयार हो जाओ कि तुमने 281 बनाया, हम 282 बना के रहेंगे। ये
ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ये तुम्हारी कच्ची टीम, ये खरगोश और जब्बर सिंह को हराएंगे। चलो जब्बर, मैं हराऊंगा तुझे। आउट कर वीरू, एक एक को चुन चुन के हराऊंगा, चुन चुन के। जय, तू फिकर मत कर। जय वीरू, जय तू हिम्मत रख। जय, मुझे कुछ नहीं होगा। जय वीरू, तू हाँ जबर को जरूर आउट करना वीरू, वनस्पति। जय तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू फिकर मत कर, और वनस्पति मेरी है और मेरी ही रहेगी। जय, उठ जय, अब मैं सबकी वाट लगाऊंगा। जब्बर सिंह, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे विकेटों की धज्जियां उड़ा दूंगा और मेरे दोस्त का बदला लूंगा और तुझे इसी ग्राउंड में हरा दूंगा जब्बर। हेरो ठाकुर साहब, ये बाल मुझे दे दो। नहीं ठाकुर, मैं ये बॉल नहीं दूंगा। अपना वादा मत भूलो वीरू। काय का वादा, किसका वादा, कौन किया वादा? तुम्हारे दोस्त ने। इस बॉल से मेरे दोस्त को मारा है उसने, और मैं इस बॉल से उसके विकेट चिंदियां कर दूंगा। तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था। ठाकुर, ये वादा मेरे दोस्त ने किया था, अगर मैं किया होता तो तोड़ देता। ये बोल डालेगा। अरे वो ठाकुर, मैंने तो तेरे हाथ काट दिए, तू बोल कैसे डालेगा? पर मेरे हाथ नहीं तो क्या हुआ, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। डाल, बोल डाल। हंस और हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, ये तेरी आखिरी हंसी है। सांबा, खाली ये शॉट देख। तू क्या हराएगा मुझे? देखा जब्बर, तूने कहा था ना, हाथ नहीं तो क्या हुआ, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। जब्बर सिंह को हराने की जुरत। अरे वो ठाकुर, ये जिंदगी में जब्बर कभी अपनी हार नहीं माना। मेरी वनस्पति को ला और इसे ले जा। मैं जब्बर हूँ। जब्बर, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। जब्बर, 4 दिन तुझे लॉकअप में रखकर इतना मारूंगा, कानून से भागता रहेगा जब्बर, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता जब्बर। जब्बर, रे पकड़ लो साले को, पकड़ लो। जय जय जय, हम जीत गए। जय
तुम्हारी जीत हुई। जय जय, उठ मेरे भाई उठ, वनस्पति मेरी हो गई, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जय अरे हौला हो गया क्या? कौन गया रे तेरे को छोड़ के? ये जय है जय, तेरे को छोड़ के कभी नहीं जा सकता मेरे दोस्त। अल्लाह का पैसा नहीं बना जो जब्बर सिंह को उसकी दीवार कैद करके रख सके। याद रख जब्बर, कानून के हाथ इतने लंबे हैं, मैं तुझे जब लॉकअप में 4 दिन तक भूखा प्यासा रखूंगा, तू मुझे याद रखेगा, तुझे तेरी माँ याद आ जाएगी और तुझे मालूम हो जाएगा कि कानून क्या है। ले जाओ साले को। चल, बहुत महंगा पड़ेगा ये, ले जाओ। सरदार सरदार सरदार, अरे क्या है रे, बोल। अम्मा याद कर रही थी। अरे साले इतने बुरे वक्त भी तेरे को माँ याद आ रही है। साहब मैं कुछ भी नहीं करा साहब, वो जब्बर करा था पूरा। कालिया मैं कुछ भी नहीं करा साहब। चल कालिया, मैं कुछ नहीं करा। चल पकड़ साले को। साहब साहब छोड़ दो साहब, साले को लेके चलो। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपने हमें जिताकर हमारे रिश्ते को और भी पक्का मजबूत कर दिया आपने। वीरू तुमने तो छक्का मार लिया, लेकिन जय अभी तक कोई रन नहीं बनाया। ठाकुर साहब आपकी इज्जत को देखते हुए खामोश बैठा, वरना मैं इससे भी खतरनाक हूँ। ऐसा जय, तो जाओ, राधा तुम्हारा वहाँ पर चबूतरे पे इंतजार कर रही है। आहा राधा, आ रहा हूँ, तुम चबूतरे पे जाओ। जय मैं भी आ रहा हूँ। ठहर,